आपके सहायता से और बड़े उत्साह से हम लोग ये हमारे बड़े ही चहेते और हमारे सूरत के ही बहुत ही जबरदस्त और होनहार कपल है, आपके काफी लोगों के अपलाइंस हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे टीम से हैं। और बहुत गर्व के साथ और बहुत खुशी से मैं बुलाना चाहूंगा ब्रांड न्यू डायमंड्स ऑन स्टेज विके संगीता। ओके, या All right. Okay, Vicky and Sangeeta, all yours. हाँ, मैं जरूर संगीता के बारे में बात करना चाहती हूँ कि दो बच्चों के साथ एक बड़ा जब शुरुआत किए थे सात साल का और दो महीने के बच्चे के साथ ये बिजनेस बिल्ड किया है, एक स्पेशल चाइल्ड के साथ ये बिजनेस बिल्ड किया। और मुझे कभी ये सोचना नहीं पड़ा था पूरे 11 साल में कि आज संगीता मीटिंग में होगी कि नहीं, कभी नहीं। 100% पता था चाहे कुछ भी हो वो मीटिंग में होगी। और बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बड़ी ड्रीमर है और ये ड्रीम उसको यहाँ तक ले आई है। दोस्तों कहानी सुनिए, आप जैसे ही दो बच्चे यहाँ पे बच्चे हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं इसलिए हम बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसे कपल को ऐसी माँ को सुनिए जो उन्हीं बच्चों के लिए बिजनेस किए। थैंक यू। ऑलराइट, और वीके के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप में से कोई उसके करीब आ गया और एक्साइटेड नहीं हुआ मतलब आप में कुछ गलती है। जिस दिन से ये व्यक्ति बिजनेस में आया मेरे लिए एक पर्सनल चैलेंज रहा था कि इसको डायमंड तो मेरे को देखना है, यू नो। और बहुत बदलाव लाया है इस तरह का इंसान, मैं आपको कह सकता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति आज एक जरूर मैसेज ले सकते हो इसकी बातें सुनने के बाद कि अगर ये कर सकता है तो आप में से कोई भी डायमंड जा सकता है। एंड हियर इज वीके एंड संगीता, ऑल योर। फायर्ड अप दोस्तों, अभी नहीं हुए तो करके भेजूंगा। हेलो, आर यू रेडी? हमारा संगीता का ये 41st एफिडी, बजाओ इस बात पे तालियां। कितना? 41 एफिडी अटेंड किया, बिजनेस में 11 साल से हैं तो एफिडी 41 कैसे? माइंड बहुत जोरदार था मेरा ठिकाने लगाने के लिए। जब जब आपको बात समझ में आए तब तब तालियां बजाना। 41 एफिडी के बाद, 40 के बाद ये 41st एफिडी में स्टेज पे आए। लोगों को फंक्शन में आने में दूर लगता है, अहमदाबाद में जितना एफिडी जितना सेशन सब में प्रेजेंट स्वयं। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पूना, पटना, लखनऊ, हर एफिडी में गया। अगर मैं 7 राज्य नौकरी के लिए बदल सकता हूं वो भी कुछ चंद रुपयों के लिए, तो क्या अपनी जिंदगी बदलने के लिए 40-50 एफिडी अटेंड नहीं कर सकता हूं? एनीवे दोस्तों, नाम विनय सिंह, बाय प्रोफेशन इंजीनियर था हूं, कंफ्यूज हूं। 1991 में बैच सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 14 साल नौकरी करने के बाद 7 राज्यों में घूमते घूमते सूरत पहुंचे।
मुलाकात हुई एक कपल से जिनका नाम अथर एंड रीटा कैप्टन, जोरदार ताली मारे स्पॉन्सर। 3 महीने लगातार पीछे लगे रहे, अभी ऐसा हूं तो पहले कैसा रहूंगा वो सोचो, संध्या भाभी ने बताया। 3 महीना लग गया उनको हमको ब्रिटोपर्म लेके जाने के लिए, कितना महीना? अब आप याद करो आप किसके पीछे एक दो बार में छोड़ देते हो, 3 मंथ्स है ना फायदा उनका, उनका मालूम नहीं हमारा है। 3 महीने बाद जब पहले एफईडी ब्रिटोपर्म में पहुंचा, मुलाकात हुई अनिल भाई से, स्टेज पे से कुछ बोल रहे थे, मैं समझाने नहीं आया हूं, समझदार को इशारा काफी, हाइट कम थी समझ में नहीं आया मेरी उनकी बातें। कुछ दिन बाद घर पहुंचे, पहली मुलाकात, फटाफट एक आदमी आ जाओ यहाँ जल्दी, कोई भी एक डिस्ट्रिक्टर भाई, एक 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 यहाँ खड़े हो, दरवाजा नॉक होता है, टक टक खोले, हे वीके सिंह, अनजान आदमी पहली बार घर में घुसा, गले लगा लिया, कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूजन। 14 साल नौकरी में घिस दिया नीचे से ऊपर तक, किसी ने हाथ नहीं लगाया। बिजनेस में आया, अरे शक होगा कि नहीं, कोई भी नया काम अच्छा काम ऐसे कोई करेगा तो शक तो होगा। लेकिन गुरु, थैंक्स टू गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि बिजनेस मिला, एमवे जैसी कंपनी मिली, ब्रिट सिस्टम जैसा सिस्टम मिला, और उन सब के ऊपर मुझे अपलाइन मिला अनिल एंड संध्या शेट्टी जैसा। क्योंकि ऐसी खोपड़ी को संभालने के लिए दुनिया में एक ही पैदा हुआ था, वह अनिल एंड संध्या शेट्टी। दोस्तों चाल देखता था बब्बर शेर जैसा चलता है, सारे बॉस हमारे ऐसे चलते थे, हमने कहा अगर चाल भी पकड़ लिया ना शेर तो बन ही जाएंगे। मुलाकात हुई, बिजनेस में आए, घर से बड़े अच्छे हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बोलूंगा। फादर हमारे रेलवे ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर्ड होके एक इंजीनियरिंग कॉलेज संभाल रहे हैं हमारी फैजाबाद में। सारे भाई हमारे लखनऊ में सेटल हैं, हमारे 3 भाई 2 पॉलिटिक्स में हैं, वेरी फेमस इन उत्तर प्रदेश, नेट पे डालो उनके नाम आएंगे। हाँ हाँ, सबसे छोटा भाई है वो एमएलसी है अभी, बड़े भी एमपी का इलेक्शन लड़े, अभी बहुत ही जबरदस्त पार्टी में है। उससे छोटा भाई है वो अभी बिजनेसमैन है, पूरी फैमिली इतनी जोरदार है तो अभी हम डायमंड गए, क्यों मालूम है? एक भी पीवी घर से नहीं मिला, बजाओ ताली इस बात पे। अब किसकी फैमिली में पीवी नहीं होता है, वो सब डायमंड जा सकते। अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच में, अनजान लोगों के साथ अगर वीके एंड संगीता सिंह डायमंड जा सकते हो दोस्तों, यहां का हर व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है डायमंड जरूर जा सकता है। नौकरियां चेंज करते थे, 7 राज्यों में चेंज करने के बाद जब सूरत पहुंचे, भगवान ने भी टेस्टिंग लिया, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी संगीता, दिल्ली गए, दिल्ली से विद इन वीक हमारा लेटर आ गया, शेल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी कंपनी है, हमको दिल्ली में मजा आ रहा था क्योंकि फैमिली थी, फिर भी किसी कारणवश में यहां सूरत पहुंच गया क्योंकि बुलावा आ रहा था, किसका? भगवान का। क्यों? रीजन सुनो, अनिल एंड संध्या शेट्टी ने बिजनेस 1998 में ज्वाइन किया, सपने का पावर, ड्रीम का पावर क्या है सुनो, 98 में मेरा पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में एक सिटी में था, 5 मई 1998 को अनिल भाई ने ज्वाइन किया, 1 को मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, टोयो इंजीनियरिंग जापानीज कंपनी, वहां पर मैं काम करता था, तब अनिल भाई ने यहां एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, मेरा उनको की रिश्तेदारी है, पावर ऑफ ड्रीम सिस्टम को यहां साइन किया, और वीके सिंह 14 साल 7 राज्यों में घूम के उनकी झोली में आके टपका और डायमंड चला गया। और अभी हम लोग इंतजार करें, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई दोस्त आएगा, कोई भांजा आएगा, कोई साला आएगा और बिजनेस करेगा, आप डायमंड जाएगा। दोस्तों ड्रीम में इतनी पावर है
कि अगर मुझे वेस्ट बंगाल से अनिल शेट्टी की टीम में ला सकता है, आज अपने ड्रीम को इतना स्ट्रांग बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारी कहना तुम्हारे कदमों पे आके गिरेगी। बिजनेस ज्वाइन किया, अब तो हम हीरो, ज्वाइन तो कर लिया। पहला क्वेश्चन आते हैं, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, हम तो किसी को जानते ही नहीं, 14 साल नौकरी है कोई नहीं जानता है। अब अनिल भाई तो बड़े स्मार्ट, बहुत स्मार्टली पूछते हैं, अच्छा कहीं तो जानते हैं लोग। हमने कहा बताते हैं इनको, बड़े दिग्गज समझते हैं अपने आप को। हम कह सर दिल्ली में है मेरा भाई, हम भी कहे दिल्ली तो जाएगा नहीं, एमवे है ना, बोले चलो दिल्ली। पॉइंट टू बी नोटेड, दिल्ली का एक हफ्ता रहे, 7-8 होम मीट की, 200 पर्सनल प्लान किए, एक आदमी साइन हुआ टोटल एक हफ्ते में, छोटा भाई। और इधर देखो एक ही साइन अप हुआ 100 पीवी से, 300 पीवी का 100 पीवी का 3% था उस समय, और 300 पीवी का 6%। सूरत पहुंचते पहुंचते 6% हो गए। जैसे पहुंचे सूरत, भाई का फोन आ गया, भैया प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अनिल भाई तो घर पहुंच गए, मैं तो रास्ते में था ऑटो में, बोले अरे एक ही साइन अप हुआ एक हफ्ते में, वो भी वापस। तो हमने कहा कौन सा प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सी सीरम प्लस। सेल्फ मेज अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि अनिल भाई इतनी मेहनत करके फैमिली को बच्चे को छोड़ के संध्या भाभी के साथ हमारे साथ एक हफ्ते दिल्ली में था, अगर मैं वापस करूंगा उनको अच्छा फील नहीं होगा। प्रोडक्ट वापरास करने लगा चकाचक, लाओ भाई कैमरा फोकस करो, प्रोडक्ट की ताकत तो देखो, वहां रिजेक्ट हुआ यहां अपॉर्चुनिटी बन गया। 45 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में खोजो ऐसा जवान मर्द नहीं मिलेगा दोस्तों, प्रोडक्ट का पावर। हेलो, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, करते गए जब देखो अनिल भाई पास जाके रहते, अनिल भाई कोई सुन नहीं रहा है, नौकरी में तो बड़े लोग को मैंने सेट कर दिया, यहां कोई सेट ही नहीं हो रहा है। बोले यहां सेटिंग नहीं चलता, खुद ही करना पड़ेगा। अरे लियो, इसको सेट कर दिया, उसको कर दिया, जो ऐसा है ना कि तुम राइट में जाओ, तुम लेफ्ट में जाओ, बाकी आप हीरो बनो, इधर तो पहले आपको ही चलना पड़ेगा। तो सेटिंग शुरू किया, पहला प्लान दिखाने की कोशिश की, अनिल भाई थे नहीं दिल्ली में, संध्या भाभी के साथ गए, प्लान दिखाया, फायर्ड अप हो गया। कोई केबल का बिजनेस करता था, अपने को तो मालूम नहीं स्किल क्या होती, किल करते थे लोगों को, नौकरी में करे इसमें करे, एक ही बात लगता था। खैर हम दिखा के निकले, हमने संध्या भाई प्लान कैसा था, अरे जोरदार भाई, गॉड अगर नौकरी में ऐसा करता कितना पिटता मालूम नहीं था बॉस से, लेकिन बोले जोरदार प्लान, लेकिन एक महीना पीछे लगा रहा, भाभी कुछ तो बताओ क्या इंप्रूव करना है। बोले नहीं बस अंदाज बदल दो, आज के बाद लोगों से अंदाज बदलोगे तो पिन बदलेगा, आपके लिए मैसेज। हमने अंदाज क्या कैसे बदले, बोले लोगों की तारीफ करना सीखो। अभी तुम सोचो वो आदमी नाराज हो गया 300 कनेक्शन की बात किया, अभी ऐसे पूछना था, अरे वाह 300 कनेक्शन, लाइन लगती होगी घर के बाहर पैसा देने वालों की, बोलो अपने आप उगल देगा सब, किल से स्किल। बदलना पड़ा, 30 सिगरेट पीता था मैं दिन की, किसी के यहां पी के गया, प्लान दिखाने गया, वो बाहर हम अंदर, छोड़ दिया इसलिए डायमंड गए। अनिल भाई डायरेक्ट कुछ बोलते नहीं थे, आदमी बुलाते थे बाहर से, एक बार आया कोई मूछे देखी, बोला बड़े जोरदार लग रही बस, सर ठाकुर हूं, बोले अच्छा मूछे नहीं तो ठाकुर नहीं, सर मर्दों की निशानी, बोले अच्छा मूछ नहीं तो मर्द नहीं, रात के 2 बजे सेशन चलता है उनके यहां, तो मालूम है ना आप लोग कुछ हो, 2:30 बजे मूछ गायब। संगीता सुबह उठी डर के, रे कौन बाजू में कौन लेटा है, कुछ लोगों के यहां भी मूछे हैं, घर जाके देखना, कल एक ने उतारा, केतन भाई क्या छो, उतरी गया, जोरदार ताली, रात में मिला हमको, 2 बजे रात में मिला, अभी उतार के आया, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। बिजनेस करते गए दोस्तों, पावर इतना था, एक्साइटमेंट इतना था कि लोग जुड़ते गए, लाने का पता था, रोकने का पता ही नहीं था, लाए गए गोल्ड प्रोड्यूसर। 2003 में ज्वाइन किया, 2004 में सिल्वर, 2005 मार्च में गोल्ड, फैल गए भाई अब तो सब आ गया, तेल लेने गया अप्लाइंग, 5 साल तेल बेचना पड़ा, 12%, 2100 पीवी, 1800 पीवी, 2008 आते आते 100 पीवी पे पहुंच गए।
बड़ी विडंबना, हमने कहा सर इतना पावरफुल आदमी हो फिर भी लोग रुकते नहीं। पता चला पावर से नहीं लोग, तुम्हारी स्ट्रेंथ से लोग रुकेंगे। पावर तो पहलवानों के पास भी होती है, कोई नहीं फटकेगा उसके पास। स्ट्रेंथ डेवलप करो तब जाके अपलाइन की पावर, ब्रिट सिस्टम की पावर नजर में आए। दोस्तों ध्यान से सुनो अभी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी लाइफ का, कहां से टर्निंग पॉइंट आया, कहां से इतना सक्सेसफुल आदमी, जॉब में बहुत सक्सेसफुल था, मेरे आज सारे दोस्त इंडिया के बाहर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं कैसे अटक गया। मेरा 2008 में फरवरी में मेरा एक ऑपरेशन हुआ, पाइलोनेडल साइनस का, पूछोगे डॉक्टर से बहुत ही न्यूसेंस बीमारी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, एक हफ्ते का बाद था, 3 महीना लगा ठीक होने में। हॉस्पिटल में ही था तो अनिल भाई ने डिसीजन लिया, पूरी टीम को बुलाया, वीके को क्वालिफाई करते हैं। 1 महीना उन्होंने मुझे फरवरी में क्वालिफाई कराया टीम को मोटिवेट करके। मार्च आ गया, छूट गया। अप्रैल 30 तारीख को रात में डिसीजन हुआ कि इस साल अगर प्लैटिनम नहीं गए तो बिजनेस गया। पीवी बहुत करना था रात में। हेलो लीडर्स, इस बिजनेस में दो चीजें लगानी पड़े, जान या पैसा। आसान काम क्या है? अरे जान आसान होती तो लगा के अब तक गए नहीं होते। जब तक पैसा नहीं लगेगा जान नहीं लगाओगे दोस्तों। एनीवे रात में डिसीजन हुआ, सुबह कर देंगे ऐसा सोचा। सुबह सुबह मेरा वो जो ऊंट था वापस ब्लड ब्लीडिंग इतना, 1 लीटर ब्लड बाहर। संगीता सुबह 10 बजे हॉस्पिटल लेके गई, 12 बजे अपना सब क्लोज है, 10,000 रुपये भी नहीं किया तो क्लोज। हॉस्पिटल के अंदर अनिल भाई का फोन, मैं सर्जरी पे, संगीता ने बोला उसको एनेस्थीसिया मत देना, अभी 2 घंटा बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हमने। इंजेक्शन संगीता, ऑपरेशन थिएटर में, अनिल भाई का फोन। ध्यान से सुनो, जब अनिल भाई का फोन आया तो अनिल भाई ने पूछा कहाँ हो? मेरे को तो गुस्सा आ रही थी लेकिन मैंने बोला नहीं कि मैं सर्जरी पे हूं। अगर बोल दिया होता वो मेरे पे दया खा गए होते और मैं यहां डायमंड नहीं होता। लोगों स्टोरी मत सुनाओ अपलाइन को, अपना प्रॉब्लम मत बताओ। जिस दिन आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर दया खा ली, जिंदगी भस्म हो जाएगी दोस्तों। अगर उसने दया खा ली होती तो आज मैं एमरल्ड नहीं होता। वो महीना दोस्तों आज तक हर महीने हमारा पीवी बढ़ा है, कोई ऐसा महीना नहीं गया जहां हमने अपना पीवी नहीं बढ़ाया हो। एक डिसीजन जिंदगी बदल के रख दिया दोस्तों। प्लेटिनम फोरम में पहुंचे, वहां जाके अपना ड्रीम खुल गया दोस्तों। माय टर्निंग पॉइंट इन माय एमवे बिजनेस इज माय प्लेटिनम फोरम। दोस्त फैल गए, ऐसे ऐसे लोगों को देखा, ऐसे ऐसे सक्सेस को देखा कि अगर अब करना है तो यही करना है। 2008 ध्यान से सुनो, 2008 में हम प्लेटिनम गए। इट टुक 5 ईयर्स, कितना 5 साल लगा 2008 के बाद। आज कितना साल हो गया, 14, 8 साल में 35 प्लेटिनम ब्रेक किया हमने। क्यों लगा 5 साल? ये जो खोपड़ी है ना इसको सेट करने में लगा दोस्त। अगर 1 साल में 40 एफईडी होता ना तो 5 साल पहले डायमंड चले गए होते। लफड़ा क्या, साल में 1 ही एफईडी होता है। और ये करते करते क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आया हमारी जिंदगी में तो मैं बुलाना चाहता हूं, अब इसको सिर्फ सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना ऊपर से नीचे, पूरा साल का सीटीसी इधर है। नौकरी वालों, एमवे बिजनेस की ताकत तो देखो। लोग बोलते क्यों इन्वेस्ट किया, घर ले लेते। अरे तुम घर में करेगा तो घर में रहेगा नहीं, हमने इसमें किया तो हम फ्री हो गए नौकरी से। हेलो, शादी में जो कमी थी ना सब पूरी कर डाली, क्योंकि शादी में पैसा था नहीं, बाप देता था, जो दिया मिला लगा लिया सो गए। यहां तो स्वयं मालिक, खुद का डिसीजन, ऊपर से अप्लाई ना के 2-4 और लाख बढ़ा दिया। ये साड़ी नहीं, वो नहीं, ये कंगन नहीं, लो बढ़ गया। अपलाइन की शरण में रहो लेडीज, फायदे में रहोगी। देखो अपना 1/10 भी नहीं पट गया। हेलो, एक ड्रीम था दोस्तों। और आज संगीता को खुश देख के जो खुशी होती ना दोस्तों, अगर हम ये बिजनेस में नहीं होते, सोच कर देखो तो दोस्तों क्या कर रहे होते। आज भी हमारे दोस्त नौकरी को लेके परेशान है, इंक्रीमेंट को लेके परेशान है, वो सब बातें करूंगा। लेकिन पहले इस ब्यूटीफुल लेडी को सुन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडी इन माई लाइफ, ऑफकोर्स माई वाइफ, मोस्ट ब्यूटिफुल, वन एंड ओनली डायमंड्स गोइंग कैम, संगीता सिंह। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, नाम संगीता सिंह है। सबसे पहले तो अहमदाबाद वालों को हमारा नमस्कार। आज यहाँ पे हम ब्रिट स्टेज से बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जिनकी वजह से, जिनकी ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पे
ब्रिज स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग के सामने बातें कर रहे हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप जिनके संस्कारों की वजह से हमें ये बिजनेस मिला, उससे भी इम्पोर्टेंट हमें ये ब्रिज सिस्टम मिला। ऑफकोर्स उस कपल का नाम लिए बिना तो हम कभी कुछ शुरू ही नहीं कर सकते, जिनकी वजह से हमारी आज लाइफ चेंज हुई, आज हम डायमंड गए। डायमंड गोइन ADC अनिल एंड संध्या सेठी हमारे मेंटर। और फ्रेंड इसमें इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे हस्बैंड का रहा है, जिनके साथ हम मिलके हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड किया, अपने सपनों को देखा और सपनों को बीच में देखते हुए बहुत सारी चैलेंजेज आई, लेकिन हमने इस बिजनेस पे फोकस किया, कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड थोड़ा अपने स्टोरी आप लोग को शेयर करूँगी, जिससे कि यहाँ पे जो भी लेडीज़ आई हैं हो सकता है आज आप हमारी स्टोरी सुन के डिसीजन ले लो और नेक्स्ट ईयर आपके भी अपलाइन आपका हैंड ड्रेसिंग करें, जैसे हमने वो ड्रीम देखा था फ्रेंड। और क्योंकि आप में से ही हम यहाँ पे आके स्टेज पर से बातें किए हैं, नेक्स्ट ईयर हम जब यहाँ बैठे थे FED में तो हमारा ड्रीम जग गया कि नहीं अगला साल हमारा साल होगा, हमारे अपलाइन हमारा हैंड ड्रेसिंग करेंगे। फ्रेंड वो फीलिंग हम 10 सालों से ले रहे थे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक FED में आए हैं, जब से बिजनेस में आए हम जितने भी FED थे सब अटेंड किए, उस FED में स्टेज पे हमेशा हम अपने आप को देखते थे, हमें ये लगता था कि नहीं अगर अपने आप को हम देखते रहेंगे एक दिन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेडीज़ आप यहाँ पे हमारी जगह पे हमें मत देखना, आप अपने आप को देखना कि आपके अपलाइन आपका हैंड रेसिंग कर रहे हैं। फ्रेंड बिलीव करो सेल्फ टॉक में इतना पावर है कि आपका ये ड्रीम पूरा होगा। और फ्रेंड हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया है और हम UP के रहने वाले हैं, हमारे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा 19 साल का है, छोटा बेटा 11 साल का है, लेकिन जब बिजनेस में आए थे तो बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटा बेटा 2 महीने का था। आज अगर लेडीज़ आई हैं अगर उनके छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, आप हमारी बातों को सुन के वो सारी चैलेंज आप भूल जाओगे। ऐसे हम बिजनेस में इतनी आसानी से नहीं आए क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत बिजी थे अपने जॉब में। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें ये ड्रीम था हमारा कि हमें एक जॉब वाला पति मिलेगा जो हमें पूरी दुनिया घुमाएगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाएगा। हर लेडीज़ का सपना होता है ना कि ऐसे लड़के से शादी हो जो हमें पूरी दुनिया घुमाए, अच्छे घर में रखे, अच्छी गाड़ियों में घुमाए, अच्छी लाइफ स्टाइल दे। फ्रेंड वही ड्रीम लेके हमारी शादी हुई इनके साथ, लेकिन जब शादी होने के बाद आए तो दुनिया बिल्कुल अलग हो गई थी। जॉब ऐसी कि जॉब तो अच्छी थी लेकिन पैसे नहीं थे उसमें, जो हमने लाइफ स्टाइल सोचा था वो लाइफ स्टाइल हमें नहीं मिल रही थी। खाने पहनने को तो कभी किसी के पति कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड हम भगवान से प्रार्थना करते थे हमेशा, भगवान हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ दो जिससे हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें। कोई कमी हमारे हस्बैंड नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता था जहाँ हमें मन को चुभता था कि नहीं अभी काफ़ी कुछ कम है। फ्रेंड करते गए, बहुत ट्रांसफ़र होते थे हमारे हस्बैंड के जॉब में, ट्रांसफ़र होने के बाद जो भी इनकम इकट्ठा करते थे वो सब ट्रांसफ़र में ख़त्म हो जाती थी। बेटा हमारा बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा, वो बहुत उसको तकलीफ़ होती थी बार बार स्कूल चेंज करना, टीचर चेंज होती थी। फिर ये करते करते हम सूरत में पहुँचे, फिर सूरत में हमें ये बिज़नेस मिला फ्रेंड। और एक और आपको स्टोरी बताएंगे कि इससे पहले भी ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया था 11 साल पहले जब हम भरूच में थे, तब ये बहुत जॉब में बिज़ी रहा करते थे, दहेज आना जाना होता था, सुबह 6 बजे जाते थे और रात के 11 बजे आते थे। तो जो सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी होती, जैसे लेडीज़ डेमो होता है, आर्टिस्ट्री का होता था, न्यूट्रीलाइट का, वहाँ हर जगह मैं प्रेजेंट रहती थी। ओके, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि हमें कुछ सीखना है। वहाँ गए हमें, आप इस चीज़ को इसलिए ध्यान से सुनना कि आज अगर आप प्रोडक्ट घर में लेके आते होगे तो हो सकता है आपके पति मना करें कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तुम दाल खाओ तुम्हारा बेटा जो है अच्छा हो जाएगा, उसको दाल से प्रोटीन मिलेगा। सेम लेडीज़ ये चीज़ हमारे साथ फ्रेंड हुआ था, जब हमारी फ्रेंड ने हमें प्रोटीन पाउडर दिया, मैं घर लेके आई रात में, ये ऑफिस से आए, मैं इनको बताया कि ये प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर था, इसको देने से बेटा हमारा करण नाम है उसका, उसको बहुत अच्छी उसकी हेल्थ होगी। तो ये प्राइस देख के बोले पागल हो, इतना महंगा तुम प्रोटीन पाउडर खिलाओगी 1500-1600 रुपए का, दाल खिलाओ, दाल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं, हमारे पास पैसा भी था उस समय, आज काफ़ी लेडीज़ के साथ होता है डेमो देख के एक्साइटेड होती हैं, घर पे जाती हैं, पति को से पूछती हैं, पति ना बोल देते हैं,
सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था। फिर हमने वो लेडी को प्रोडक्ट वापस कर दिया, क्योंकि जब ये नहीं बोले तो फिर हम प्रोडक्ट लिए ही नहीं। फ्रेंड, अगर सपने, हम एक भरोसा आपको देते हैं, अगर सपने आपके बड़े हैं, आपके दिमाग में है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आपके सपने पूरे होंगे। वापस 11 साल, एक साल के बाद वापस ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। हो सकता उस समय ऊपर वाले की उतनी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन वापस हमें ऐसे कपल के साथ जुड़ना था कि हमें इस बिजनेस में सक्सेस मिले, अनिल एंड संध्या सेट्टी के साथ। इसके लिए हमारे लाइफ में बिजनेस आया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लोग ना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, आपके पति प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने देते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान से आप टकराओगे जो इस बिजनेस आपको देगा। फ्रेंड, बिजनेस करते गए करते गए, एक दो महीने तो हम भी सेमिनार मीटिंग में किसी में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी छोटा बच्चा था। होता है ना, आज काफ़ी लोग से आप मिलते होगे तो लोग बोलते हैं कि हम छोटा बच्चा है, कहाँ उसको हम रखें, कैसे उसको छोड़ के हम मीटिंग में आए। काफ़ी सारी लेडीज़ बोलती हैं अहमदाबाद में सेम चीज़ हमारे साथ। तो हम भी नहीं, एक बड़ा बेटा एक छोटा है, मैं उसको छोड़ के कैसे मीटिंग में आऊँगी, हमें ये बिज़नेस नहीं करना है। ऑलरेडी अपने हस्बैंड, हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था कि ऑलरेडी आप इतने बिजी हो और हमारा छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन फ्रेंड, अगर जितने लोग सूरत में आए होंगे उस बेटे को देखे होंगे, आज वो 99% 100 इसी बिजनेस की वजह से, इसी प्रोडक्ट की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से हो गया है। फ्रेंड, तो पहला हमारा टर्निंग पॉइंट इस बिजनेस का था हमारा BBS सेमिनार जो सूरत में हुआ था, इंदौर स्टेडियम में। हमारे ये तो दिल्ली गए हुए थे बिजनेस के लिए, लेकिन हमारे स्पॉन्सर थे अथर कैप्टन, उन्होंने आके बोला कि बस तुम बिजनेस करो चाहे मत करो, सिर्फ एक BBS में तुम चल के उसको अटेंड कर लो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा तो ही तुम बिजनेस बिल्ड करना। तो उनकी बातों को हम ना नहीं कर पाए। फ्रेंड, वो हमारे बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था बिल्ड करने के लिए। सेमिनार में गए, उस समय संजीव और शौना सहाय का सेमिनार था। फ्रेंड, सबने नाम सुना होगा उनका। उस दिन के बाद आज तक हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। तब से हमने ये समझ लिया कि हमने जो सपने देखे थे, चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे वो अच्छे घर का हो, चाहे वो अच्छी लाइफ स्टाइल का हो, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन का हो, चाहे बच्चे किसी भी चीज़ पे हमारे बेटे हाथ रखे उस चीज़ को हम ला के दे सकें। फ्रेंड, उस दिन के बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करते गए करते गए प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, तो शुरू में हमें भी प्रोडक्ट्स महंगे लगते थे। फिर हमें एक ही बात, फिर हमारी लाइफ में हमारे अपलाइन मेंटर संध्या भाभी की एंट्री हुई। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से हम बिजनेस में आ गए। वो हमारे घर पे 2-3 दिन आती गईं, फिर हमें ये पता चला कि क्यों वो हमारे साथ लगी हुई हैं। आज तक तो कोई हमारी फैमिली में हमें ना हमारे सपने के बारे में पूछा और ना वो हमारे साथ लगी। फिर उन्होंने एक ही बात पूछा कि संगीता, अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो यही एक बिजनेस है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर हमें ये समझ में आ गया, नहीं, अगर भाभी बोलती हैं तो हम उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। फिर करते गए बिजनेस करते गए, लोगों के यहाँ डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, हम दोनों साथ में जाते थे, सारी ट्रेनिंग अटेंड किया हमने प्रोडक्ट्स की, तो हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे। फिर हमें कैसे यूज़ करना है वो पता चला। फिर कुछ लोगों के घरों में हमने ब्यूटी के बारे में बताया, कुछ के घरों में हेल्थ के बारे में बताया, तो उनके वो खूबसूरत हुए, उनके हेल्थ अच्छे हुए, हम खुद यूज़ हुए, तो आज हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं। फ्रेंड, उसके बाद लाइफ में चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन हमने कभी चैलेंज पे फोकस नहीं किया। एक ही चीज़ हमें ये था कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें कहीं भी जाना है, पहुँचना ना, हमें बीच बच्चों को बीच में लाना है, मैं लेडीज़ की बात बता दूँ, ना हस्बैंड को लाना है, ना मायके को, ना ससुराल को, ना कोई व्रत, ना कोई मैरिज एनिवर्सरी, ना बर्थडे, ना पार्टी। वो माइंडसेट हमारा खुद का था, इनका नहीं था। वो हमें डिसीजन लेना था, एक हमें स्ट्रांग बनना था। अगर बच्चे को छोड़ना है तो हमारा ड्रीम है, अगर बच्चा रोता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो रोएगा लेकिन 10 साल के बाद आज डायमंड होकर जब उसको लाइफ स्टाइल हम देंगे तो उस बच्चे को वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। लेडीज़, वो चीज़ हमें मिला। और फिर आज, पहले हम ऑटो में बहुत बिजनेस किए हैं, ऐसा नहीं कि हम शुरू से हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी देख रहे हो, हमने वो सब कुछ किया है। फ्रेंड, इस बिजनेस सक्सेस पाने के लिए जो करना चाहिए, चाहे रात में जगना हुआ, ऑफ कोर्स हम रात में जगे, हमने दो दो बच्चों को संभाला पूरा दिन, हमने बच्चों छोटे बेटे के ऊपर काफ़ी मेहनत किया है, तो आज उसका रिजल्ट है कि वो ऐसा बच्चा दिख रहा है आपको। ब्रिज सिस्टम से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बुक पढ़ी, CD सुनी, हर मीटिंग फंक्शन सेमिनार जो इन्होंने बोला कि FED में वो 40 FED मैं इनके साथ हमेशा रहती थी, ऐसा नहीं कि मैं इनको अकेले भेज देती थी,
कभी भी हम दोनों जहाँ भी गए हम दोनों साथ में गए हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन हर जगह साथ में जाते थे। वो डुप्लीकेशन हमने संध्या भाभी को सिर्फ ऑब्जर्व किया कि वो क्या करती हैं, कैसे किस तरीके से बातें करती हैं, कैसे काम करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना था। वो जहाँ भी बुलाएं इन 10 सालों में हमें अपनी अपलाइन की नज़रों में हमेशा रहना था। फ्रेंड, हमें ये था कि हमारी अपलाइन हमारे अलावा जब तक हम डायमंड नहीं जाएं किसी और के ऊपर नज़र न करें। उसके लिए हमने काम भी बहुत किया। ऐसा नहीं लगता कि भाई अपलाइन पर नज़र रखने के लिए आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड, वो हमने प्रूफ करके दिखाया। कहीं भी जाना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में शादी है भाई की नहीं, अगर हमारा बिजनेस है, हमारा हम कोई लेवल पे जा रहे हैं या कहीं हमें, तो हमें पहले वो चीज़ करना है। फ्रेंड, ये करते गए और 100% बिलीव किया। चाहे हमें ऑटो से जाना हुआ तो भी हम गए, पैदल चलना हुआ तो भी गए, बच्चे को उठा के चलना हुआ तो भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि हमें वो 10 साल के बाद ये दिन हमें दिखाई देता था। फ्रेंड, वो पहले से दिखाई देता था कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और करते गए, आज हमें सब लाइफ स्टाइल, आज हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ अच्छा। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी कि टिफ़िन बनाना हमें पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। खाना बनाना अच्छा लगता है, यहाँ लेडीज़ को टिफ़िन बनाना पसंद है, सुबह 6 बजे उठ के पति को देना, फ्रेंड हमें तो पसंद नहीं था। हम शुरू से ये था कि नहीं खाना बनाएंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे। फ्रेंड, 1 महीने हम 20 दिन हमें और टिफ़िन बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने वो ड्रीम देख लिया था। 20 दिन के बाद हमारे हस्बैंड जॉब से फ्री हो रहे हैं, हम दोनों वो टिफ़िन बनाने का जो था वो ख़त्म कर दिया। अभी हम साथ में लाइफ को एंजॉय करेंगे। फ्रेंड, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक ही कपल की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने वो काम किया है। हम वो लोकल ट्रेन में गए हैं बलसाड बड़ौदा डेमो करने के लिए, फिर हमने ये नहीं देखा कि नहीं मैरिज एनिवर्सरी हमारी, हमने वो सब कुछ छोड़ दिया। फ्रेंड, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे, हमें ये लाइफ स्टाइल चाहिए थी। लेडीज़, इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, आज के बाद अगर आपका बिजनेस नहीं होता है तो आप सबसे ज़्यादा अपलाइन को फ़ोन करो। फ्रेंड, जैसा इन्होंने बताया हमारे बीच में बहुत चैलेंजेस आई थी बिजनेस में, लेकिन हमने सिर्फ एक ही कपल को पकड़ के रखा। फ्रेंड, आगे पीछे कुछ नहीं सोचे, हमें पता था वो बिलीव 100% भरोसा था हमें अपनी अपलाइन के ऊपर। उन्होंने बोल दिया है कि नहीं संगीता तुम सक्सेस होगी तो होंगी, मैं उसके लिए हमें जो भी करना पड़े सब कुछ करूँगी। और ये बिलीव आज आपको हम दे रहे हैं, आप भी हमारे तरह डायमंड आ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Wow! What a talk, boss! तो मस्त बोलती है। पहले बोलना नहीं आता था, सिस्टम का कमाल, अपलाइन का अटैचमेंट। मैं दुनिया में सुखी तब हुआ जब इसका रिलेशनशिप संध्या भाभी के साथ सॉलिड हो गया। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है दोस्त, अगर इस बिजनेस में, तो सबसे पहला काम आज जाके करना है कि अपने अपलाइन को एक फोन करके बोलना कि आज के बाद कोई भी चैलेंज हो यार, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। 95% लोग, अरे सोचो तो सही, अनिल शेट्टी और संध्या शेट्टी अपने बच्चे को छोड़ के 1 हफ्ते मेरे लिए दिल्ली में गए। इस बिजनेस में कुछ तो होगा, कौन जाएगा छोड़ के? एक चेक करो पूरे खानदान में, एक फैमिली मेंबर बताओ, एक भाई बताओ जो आपके लिए 50 किलोमीटर जाने के लिए रेडी हो। एक अपलाइन मिला है, सारे नाटक उसी के साथ। मारा बच्चो छोटो छे, अरे बापू क्या करेगा अपलाइन, कमाल करते हो। इतना सक्सेसफुल बंदा, उसके पास घर था, गाड़ी था, बंगला था, हमारे पास सब कुछ रेंटेड था। लाइफस्टाइल देखा, गाड़ियां देखी, घर देखा, जब सूरत में कुछ नहीं था, रेंटेड कारपेट, रेंटेड सोफा, रेंटेड पर्दा, रेंटेड होम। थैंक्स टू एमवे कॉर्पोरेशन, अनिल भाई और ब्रिट सिस्टम, सब कुछ बदल गया। एक भी ऐसी सीडी नहीं है ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, अगर आप बनना चाहते हो सक्सेसफुल, जो वीकेंड संगीता ने नहीं सुना हो। ब्रिट वर्ल्ड वाइड को पूछो, फोन करके यूएसए से सीडी मंगवाते थे हम लोग सुनने के लिए, क्योंकि खोपड़ी का ठिकाना नहीं, 35 साल हो गए कुछ अच्छा गया नहीं, अच्छा लाने के लिए खूब डालना पड़ेगा। 4 सीडी सुना, 4 मीटिंग में कुछ नहीं होगा। 15 साल मेरी नौकरी और बाकी है, थी है बीच में, 15 साल बचे हैं दोस्तों। 4 जनवरी में संगीता का बर्थडे है, ध्यान से सुनो। संगीता को जब देखने की बारी आई, मैंने पूछा बॉस से, बोले छुट्टी नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, दोस्त को भेजा, दोस्त ने देखा, अप्रूव कर दिया, कर ले काम, हो जाएगा।
पूरी जिंदगी का डिसीजन दोस्त ने ले लिया। इधर एमवे करने में माजूम पूछूं क्या, माजूम पूछता है करूं क्या, वो तो गया तुमको भी लेके गया। आज वो दिन है कि हमको संगीता को देखने की छुट्टी नहीं थी दोस्तों, अब 4 जनवरी के बाद वो दिन होगा 24/7 इस ब्यूटीफुल लेडी के साथ। क्या सिनेरियो होगा, तुम लोग वर्क पे जाओगे, हम लोग फोटो खींच के सेल्फी भेजेंगे स्विमिंग पूल में, जिम में योगा करते हुए, फाफड़ा जलेबी खाते हुए, तुम लोग बांस की डांट खाते रहे ना, पकड़ लो 15 साल मेरा बाकी रह गया दोस्तों, बॉस के चुंगल से छोड़ा 2 से 5 साल, अपलाइन की सुनो, उसकी निगेटिव मत खोजो, इंसान है वो, भगवान मत मानो, फिर खोजोगे ये करता नहीं वो करता नहीं, फोन नहीं उठाता। एक कपल के हम लोग सर देखो 10 बजे का फोन नहीं उठा, वी के चिंता मत कर लगे रह, 11 साल के बाद लोग लाइन लगा के 1 बजे रात में खड़े हुए तेरे से मिलने के लिए, वो दिन आ गया दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम। आज कौन नहीं सुन रहा, मत ध्यान दो, आज अपलाइन के साथ भिड़े रहो, लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे। दोस्तों सीडी रिलीज हुई है, टाइटल सुनो, आओ मारे साथे, हूं मतलब भाई आओ मेरे, अब बताओ पूरा ब्रह्मांड खोज लो, एमवे बिजनेस के अलावा कोई बोलेगा आओ मारे साथे, क्या बोलेगा, जाओ तुम्हारे साथ, नौकरी में तुम जाओ, बच्चों को तुम संभालो, घर तुम संभालो, पैसा तुम लाओ, मेरे पास मत आओ, और यहां अपलाइन बोलता आओ हमारे साथ है। एक एक आदमी उठा ले 50-50, जिंदगी बदल जाएगी। अनिल एंड संजय शेट्टी के सीडी हमने यहां अहमदाबाद में उनके लिए सेमिनार अटेंड किया, अपलाइन के पाछड़ पड़ी जाओ दोस्तों। हमारी लेग कैसे मिली, अरे टाइम था, लेग नंबर 1 2003 में ज्वाइन किया, लेग मिली 2005 में, कितने साल बाद, 3 में 5 कैसा, 2 साल एंड में मिला, 3 साल हो गया, 3.5 साल। लोग कहते सर 3 महीने हो गया कोई आया नहीं, पहले तुम खड़े तो रहो तभी कंधे पे जान मिलेगी। गाड़ी में जा रहा था, लिफ्ट मांगा रिलायंस वाले ने, बैठा लिया, सीडी चल रही थी, कुलेन मीना देसाई की, जोरदार तालियां दोस्तों। सीडी क्यों सुनना है, सीडी सुनते सुनते फायर्ड अप बिजनेस में आया, 4 एमराल्ड 20 प्लेटिनम 7 फाउंडर प्लेटिनम और इस साल 1 brand new diamond इन माय टीम। अनिल भाई बोलते रहे लगे रहो, एक दिन एक बंदा आएगा जिंदगी बदल देगा, हमारी टीम में एक बंदा आया पूरी जिंदगी बदल, उस कपल का नाम राजेश और मीनाक्षी वेकेरिया दोस्तों। 5 साल के बाद मिला वो कपल, दूसरी लेग मुकेश और संगीता फाउंडर्स प्लेटिनम बैक बाई प्लेटिनम, इस साल 2-3 प्लेटिनम और ब्रेक। 6 घंटे उनको 6 घंटे बाहर खड़ा रहा ऑफिस में मिलने के लिए, कितने घंटे, आदमी 6 घंटे में भाग जाता, वो भी व्यारा जाके खड़ा रहा, तब मिली, निंदा से मत घबराओ लगे रहो मिलेगा। थर्ड लेग हमारी मिली अजय पल्लवी जेठवा, रात के 12:30 बजे बोनट पे मेन रोड दुमस रोड पे साइन अप किया फॉलोअप करके। लेग नंबर 4 आनंद अनखंचन सिंह फाउंडर्स प्लेटिनम बैक बाय प्लेटिनम बैक बाय प्लेटिनम बैक बाय प्लेटिनम दिस ईयर, आज 60 नंबर्स दिल्ली में उसकी टीम में बैठे, आज 60 नंबर्स इन दिल्ली एफईडी, पावर ऑफ ब्रिट सिस्टम। क्या हुआ, 6 साल पहले लेके गया आईफीडी में, उसको ले गया, उसकी वाइफ को ले गया, उसके भाई को ले गया, उसकी वाइफ चारों को लेके गया 2005 में, पूरा आईफीडी अटेंड किया, ये बिजनेस किस चीज का है पूछा, वो भी बाहर हम भी साइड में। 2011 में उसको किसी ने प्लान दिखाया, फोन किया, बिजनेस में 1 साल में प्लेटिनम, तब डाला पैसा, इन्वेस्टमेंट उसमें किया, आईफीडी का टिकट बचाया नहीं उसमें डाला, आज मिला। हमको कितनी बार जाना पड़ा बॉम्बे, 10 बार गया प्लेटिनम सेट हो गया, हेलो। उसके बाद एक कपल हमको बैंक में मिला, इतना परेशानी है कुछ करना है आगे बिजनेस में, सुब्रहण राधिका ब्रांड न्यू प्लेटिनम लास्ट ईयर बैक बाय नेक्स्ट प्लेटिनम दिस ईयर। 6ठा कपल हमें जो मिला, जब हमने डिसीजन ले लिया दोस्त, जैसे हम अनिल भाई की गोद में आ गए वैसे ही हमारी गोद में एक कपल आया 2013 जुलाई में, ध्यान रखो 2013 जुलाई में आया, और वी आर ब्रांड न्यू डायमंड 2014 अप्रैल 8 महीने में प्लेटिनम। सिस्टम को पकड़ के रखो, अपलाइन को पकड़ के रखो, एमवे के प्रोडक्ट यूज करो, पनौती मत यूज करो, घर में तरक्की नहीं होगी। आज भी देखा वो डिस्क ड्रॉप के बाजू में बार पड़ा रहता है, पनौती है हटाओ, अरे विम बार यूज करते हो, शर्म आनी चाहिए।
ज्वाइंट जनरल मैनेजर रिटायरमेंट पता करो सीटीसी कितना होता है, रवि भाई को पूछो जॉब से फ्री है, एरा गैरा नहीं क्वालिफ फ्रीडम हो रहा है। कुलिन भाई के घर गए, उनसे डिसीजन लिया, क्योंकि अनिल भाई से मैंने पूछा, एक बार बोला जा ही रहे हो तो पूछ लेने का, उनकी लाइफस्टाइल देखे, घर के ऐसे कोने खोचे में जाके फोटो खींचे जहां कुलिन भाई भी नहीं गए, 7 एकड़ में पूरा 2 दिन तैरते रहे खोजते रहे, कंप्लीट नहीं हुआ। बिजनेस क्लास में जाते हैं फैल के, पहली बार आए तो बटन ही सेट नहीं हो रहा, 25 टाइप का सेटिंग था, एयर होस्टेस एक्सक्यूज मी कैन हेल्प यू, भैया एम्बेडर खुद कर लेंगे तुम जाओ, चक 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 अभी बोलो सबको समझा देंगे कैसे फिट। जीआईपी आया 2000, एमवे बिजनेस में मेहनत है दोस्तों, मेहनत का फल देखो, 2008 में जो हमारी इनकम एमवे थी प्लेटिनम में, आज 15 टाइम्स बढ़ गई, कितनी टाइम, ध्यान से सुनो लिख लो, अभी मैंने बोला रिकॉर्ड करके चेक करवा लेना, एमवे से 15 टाइम्स मेरा इनकम बढ़ गया, जॉब में मेरा अच्छा वो अगले साल कम नहीं हो गया, इंक्रीमेंट 5% मिलता है, यहां 15 गुना मिला दोस्तों। एमवे बिजनेस करना है, अपलाइन की सुनना है, अपग्रेड सिस्टम को, आज भी आप हमारे घर में आओ, इन्वेस्टमेंट करना, हम तो सीखते हैं छोटे लोगों से, भिखारी को देखो कटोरा किसका, उसमें जो शुरू में पैसा रखता है किसका, चिल्लर रखता है कि 10-20-50 का, 10-20 तब आप निकाल के देते हो, यहां बिजनेस किसका, ब्रेड मटेरियल रखो, बिना ब्रेड मटेरियल खरीदे कोई जाना मत इधर से, इसमें इन्वेस्ट करो, इधर करोगे टंकी बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, कैन यू डू इट, आर यू रेडी दोस्तों? अगर विनय संगीता इस बिजनेस को कर सकते हैं तो यहां बैठा हर शख्स इस बिजनेस में झंडा गाड़ सकता है। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे 2 बब्बर शेर से, मिलना चाहोगे? वन ऑफ द मोस्ट फायर्ड अप चैंपियंस ऑफ माई लाइफ, प्लीज हेल्प मी वेलकम माय सन करण राम से। सर पूछते हैं आपका ही है, हाइट देखो, न्यूट्रोलाइट खिलाओ पता चल जाएगा आपका है कि नहीं, साक्षात दोस्तों ये हमारा स्पेशल वन, वाओ, जिसको हम लोग जब देखते हैं ना तो घर में बैठते नहीं है, इसको घर में देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं घर से बाहर लोगों के घर में प्लान दिखाने के लिए। फायर अप हम, हाउ आर यू पाय, जोरदार, गुड गुड गुड, वाह क्या बोलता है, अरे धड़कन में देखो अनिल शेट्टी बसा हुआ है, रात के 2 बजे अगर आवाज सुन लेगा ना रात के भाग के अनिल भाई के पास आ जाएगा, ऐसा धड़कन सेट है, ऐसे बनो अपलाइन और ऐसे बनो डाउनलाइन जिसका धड़कने सेट हो जाए। अनिल शेट्टी ने ओम और करण को कभी एकलव शेट्टी से कम नहीं समझा, इसलिए आज विनय संगीता सिंह डायमंड है। हेयर इज माई लवली सेकेंड ईयर इन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सेक्रीफाइस किया दोस्तों, बट सेक्रीफाइस का क्या मिला है, अभी कौन से कॉलेज में कौन सी लाइफस्टाइल में कौन सा टक्सीडो पहन के क्या घूम रहा है आप ही नहीं सुनी। हेयर इज माई ब्यूटी चैंपियन सन करण, गुड इवनिंग एवरी वन, माई सेल्फ करण सिंह एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम परस्यूइंग माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मॉम एंड डैड कि उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, एंड ये साल जब वो डायमंड हुए थे इट वॉज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, अ फीलिंग विच वन कैन नॉट डिस्क्राइब, एंड मॉम का अनडिस्प्यूटेड लव एंड डैड का अनडिस्प्यूटेड केयर एंड अटेंशन पूरा मिलता है मेरे को, एंड अभी wow. कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बारे में ऐसी बातें करें, follow the break system, follow your plan, we can do it, you can do it too, God bless and God diamond.